ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे केशव, हे जगतपति, आप संसार को सुख देने वाली वाले सबके हितेशी और त्रिलोकी के स्वामी हो। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। कृपया आप मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके महात्म्य और पूजन विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आपकी अति कृपा होगी। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, यह प्रश्न आपने अति उत्तम किया है। मैं आपसे अनेक पापों का नाश करने वाली मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की विधि का वर्णन करता हूँ। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इसके व्रत के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अर्थात इसके प्रभाव से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन दामोदर भगवान जी की पूजा धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि सुगंधित पदार्थों से विधि पूर्वक और स्नेह व श्रद्धा भाव के सहित करनी चाहिए। इसके बारे में मैं एक पुरातन कथा कहता हूँ। हे युधिष्ठिर, देशमुख नाम का एक राजा चंपक नामक नगर में राज्य करता था। एक दिन राजा ने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा। यह स्वप्न देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुबह होते ही राजा ने ब्राह्मणों को सभा में बुलाकर अपने स्वप्न का वृत्तांत कहा कि हे प्रभो, मुझे यह राज्य, सुख, धन, ऐश्वर्य, हाथी, पुत्र, स्त्री इत्यादि कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि मेरे पिता नरक में पड़े हैं और उसने मुझसे उसका उद्धार करने को कहा है। हे द्विजवरों, उस पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का भी उद्धार ना कर सके। आप लोग विद्वान हैं, सब धर्म के ज्ञाता हैं। आपको कोई तप अथवा दान, व्रत आदि ऐसा बताएं जिसके द्वारा मैं अपने पिता की मुक्ति करा सकूं। राजा के वचनों को सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे नरेश, यहाँ से नज़दीक ही एक पर्वत मुनि का आश्रम है। आप वहाँ जाकर यह सब पूछें, क्योंकि वे तीनों कालों के ज्ञाता हैं, अवश्य कोई ऐसी विधि बता देंगे जिससे आप अपने पिता की मुक्ति करा सकें। ब्राह्मणों की बात मान राजा पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि को देख राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आसन दिया। राजा ने विनय पूर्वक कहा, हे मुनिराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में कुशलता है, किंतु आज मेरे सामने एक विघ्न उत्पन्न हो गया है जिसके कारण मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। हे मुनिदेव, आप ही कृपा कर मेरे संदेह को दूर कीजिए। राजा के ये वचन सुनकर पर्वत मुनि ने नेत्र मूंद लिए और कुछ समय के बाद मुनि ने कहा, हे राजन, हमने योग बल से आपके पिता के पापों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में द्वेष से काम के वशीभूत होकर एक स्त्री को रतिदान और ऋतु अभिलाषी स्त्री को मांगने पर भी ऋतुदान नहीं दिया था। उसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को नरक में निवास करना पड़ रहा है। मुनि की बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे पिता की मुक्ति के लिए रास्ता बताइए। पर्वत मुनि ने कहा, हे राजन, मार्ग शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का आप व्रत कीजिए। उसके पुण्य का फल अपने पिता के निमित्त दें तो निश्चय ही उसका उद्धार होगा। मुनि की बात मान राजा ने अपने घर आकर कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का विधिवत उपवास किया, जिसके पुण्य को अपने पिता के लिए संकल्प किया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता की मुक्ति हुई। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वे स्वर्ग लोक में स्थान पाते हैं। इस व्रत को करने तथा कथा पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा यह व्रत मोक्ष दाता है। इस दिन बिल्व पत्र का सागार लेना चाहिए। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण भगवान, जय तुलसी माता, हरि प्रिय नमोस्तुते।